मेरे पास एक नया नंबर अभी मैं ली हूँ, उसके ऊपर उस नंबर से मैं अनु को प्रैंक कर रही थी और अनु मुझे बहुत गंदी गंदी गालियां दी। अभी अनु आने वाली है और अनु आकर के वो स्टोरी सुनाएगी जो उसके साथ हुआ, बट वो स्टोरी मैं बनाई थी, मेरे साथ हुआ। तो वो देखिएगा कैसे कैसे क्या होगा। वीडियो पर बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए वीडियो को देखिए पूरा। हेलो, मेरे को दीपक जी से बात करना है। कौन दीपक जी? कहाँ फोन लगा? आप उनकी बहन हैं? मेरा कोई दीपक नाम का भाई नहीं है, तो मुझे कौन कह रहे हैं? बता रहे थे कि अनु मेरी बहन है, मेरे साथ रहती है। एक नाम का बजारों को बताना, मेरा नाम अनु है, ना ही हम किसी दीपक को जानते हैं। दीपक जी मेरे को बताए थे कि आप उनकी बहन हैं। अरे तो दीपक जी से बात कीजिए ना, तो उनके बहन को कब फोन कर रहे हैं? नहीं, जानना था उनके बारे में। वो बोले थे आज मिलने के लिए पर मिले नहीं। आप एक बार पता कीजिए ना, क्यों नहीं मिलने आए? आप कहाँ से बोल रहे हैं? बता नहीं सकती, उन्होंने मना किया है। तब उन्होंने मना किया तो उनको नहीं से आप पूछ लीजिए। मेरा फोन उठा नहीं रहे हैं, गुस्सा है कोई बात को लेकर। दीपक जी का नंबर नहीं है, रॉन्ग नंबर है। दीपक जी से बात करना था, दीपक जी का कॉल कीजिए। नहीं ऐसे अथे दीपक जी बोले थे कि मिलेंगे। हम भैया नहीं बोल रहे हैं, हम कोई लेडीज बोल रहे हैं। अब कॉमन है को, या तो कोई है या तो किसी से करवा रहे होंगे, या तो कोई होगा जो हम मेरे और इनके बीच में झगड़ा लगाना चाहता हो। तब हम कह लिया आप लेडीज हैं, बुढ़ी है, छौड़ी है, जवान है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। जब दीपक जी को जानते ही नहीं तो तुम फोन और हमको क्या मतलब? रखना तो चुप फोन और से बोल रहे हैं तुम बोल रहे किस बार के बार बार फोन करा था हम मेरा फोन मारा चुप तो मतलब नहीं आते। वो बोल रहे हैं कि रॉन्ग नंबर है। दीपक जी आपके भाई हमको तो बाप होता हूँ ना फोन बलवा बल में हम देख रहे हैं ब्लैकलिस्ट में नंबर डाल दीजिए। दुबारी लोग कोई छोटे गली है तो नंबर ब्लैक और ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। अब मैंने मैंने सोचा जा रहा है दीपक भैया के दे देंगे, दीपक भैया लीजिए आपके नंबर से नाम से फोन आ रहा तो पहले तो बताइए तो का नंबर है जी? हाँ बताइए था मेरा नंबर से जाएगा मैं कोई कल कर दूँगा। सुबह मेरे को फोन क्या उठा ही नहीं, अभी की हम देखे फोन भी नहीं आया। सुबह में हर फ्लिचिट पे परदे पे धो रहे थे बाहर। 200 रुपया लिया रही है, 20 वेस्टर और 220 रुपया पता। सब्जी इतना महंगा है, सब पैसा पता चलेगा। आप ये सब्जी भी आप मन ले के ला दीजिए। चलिएगा जी आप बगान सब्जी ले, यहाँ बड़ी महंगा है। आप बोले थे कि आम बगान चलेगी, कल नहीं बोलते झूठा। कल के भी पता नहीं स्टार्ट करते हैं दीपा भाई। आप इन्हें बोलिए हम कहाँ से बोल रहे हैं, खाली बात कीजिए। बोलिए नया
अच्छा इसका ब्लू कलर तो दिखा रहा है दीपक सिंह। दीपक सिंह दीपक जी आप ही तो नए थे, लड़की आवाज में बोल रहे थे आप ही थे, 99 नंबर से करते हैं आप हमको लगा दीपक सिंह। हाँ जी नाम देखिए क्या दिखा रहा है। मेरा हस्बैंड खाली रूबी के ऊपर गाना लगा लगा के डीजे पे वो लड़की थी। अरे जेंस था लड़की के बारे में बोल रहा था। नहीं वो बोले थे ना कि वो अगर कभी मेरे से बात ना हो तो इस नंबर पे करना, हम बात कर लेंगे। अच्छा तो इस नंबर पे करना तो हो सकता है पहले उनके पास रहा हो, अभी ये नंबर मेरे पास रहता है तो हम किसी को नहीं जानते, आदत के लिए जो है ना रॉन्ग नंबर लगा है, अब फोन मत कीजिएगा मेरे यहाँ, नहीं तो इसके बाद ही नंबर सीधे हम देंगे पुलिस को। आपको समझ में आ जाएगा हम कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं। मैं भी पुलिस डिपार्टमेंट से ही हूँ। ठीक है आप पुलिस डिपार्टमेंट से ही हैं तो ये क्या नहीं है कि पुलिस के ऊपर भी ये कार्रवाई होता है, ये आपको जानना चाहिए। क्या आप इनलीगल किसी को अगर टॉर्चर कर रहे हैं तो हम पुलिस और इसी तरह आप हमको मत करवाइएगा, पुलिस लगेगा ना तो पुलिस के ऊपर भी उसका पाप होता है। आप मेरे से झगड़ा, आप बुरा नहीं मानिए, बस आपसे जानना आप वकील से बात कर रहे हैं आप तो गुस्सा हो रहे हैं। आप और हम फेस टू फेस बात करेंगे, फोन पे बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आप तो गुस्सा हो गए। अब फ्लर्ट कर रही है नहीं तो समझ जाएंगे, बोली फ्लर्ट कर रही है। मेरे पास हजारों काम होता है। आप बुरा नहीं मानो, आप बहुत सुंदर हो, आपका फोटो फिर से गलत समझ रहे हो, मैं लड़की हूँ। तुम गलत हो, सही हो, I don't know, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक ना? बात समझ में? आप बुरा नहीं है, हैं? जतिया काट दे रही है, फिर से देखते हैं। अच्छा अनु को? अनु भाभी फोन थोड़ी उठाएंगी। हटाई थी? हैं? ब्लॉक पर से हटाई थी। हटा दी थी? हाँ। अच्छा हाँ काम धाम है कि नहीं तुम्हारे पास दूसरा? खाली यही काम है कि बस सब जगह फोन करो, जहाँ पे मुंह मारने के लिए मिल जाएगा मुंह मार लेंगे। देखिए मैं बहुत टेंशन में हूँ, दो दिनों से बात नहीं हो पाया है। साथ ही लगा ले, घर में पंखा होगा ना उसमें लटक जाओ। एसी है? एसी है तो एसी में मुंह घुसा के मर जाओ। मैं नंबर बता कहा मैं पानी ले ले और मैं पानी मुंह डुबा ले, मर जाए पाँच मिनट में। सरकार
छी, आप कितनी गंदी बातें करते हो। हाँ हम गंदी है, तुम बात मत करो हमसे, हम बहुत गंदी है। आपका माँ बाप अच्छा संस्कार नहीं दिया क्या, इसीलिए दीपक आपसे नाराज रहता है। दीपक हमसे नाराज रहता है, हम अनाथ है, हमको माँ बाप कोई नहीं है। अच्छा आसपास है दीपक जी, तो बात करा दो। अच्छा अच्छा ठीक है, अभी सुनो ना हम आ रहे हैं, रुको अभी तुमसे मिलिए लेते हैं। आ जाओ बहन आ जाओ, दीपक जी को ले प्लीज। हाँ हम दीपक जी को लेके आ रहे हैं तुम्हारे पास, तुम टेंशन मत लो, लेके आ रहे हैं। हाँ हाँ ठीक ठीक, तो अपने दीपक जी के लिए चाय बना के रखना, हम आ रहे हैं। दीपक भैया के लिए भी चाय बना के रखना। मतलब अभी मैं तो रुक झोटा दिन से तब तुम्हें बता दे, आराम ही रुक खा रहे हैं। आई आई कहाँ कहाँ मिलना होगा, कहाँ मिलना होगा? तुम्हारे घर में? नहीं नहीं मेरे घर में सब लोग है। कोई बात नहीं, तुमको पता है तुम्हारे घर में कौन कौन है? कहीं और मिलते हैं। नहीं हम कहीं और क्या मिलेंगे, तुम्हारे घर पे मिलेंगे। नहीं नहीं मेरे मम्मी पापा हैं। तुम्हारे हस्बैंड के सामने? मेरा कोई हस्बैंड नहीं है। अच्छा वही तो बोले ना, जहाँ से तुम दिमाग लगाना शुरू करती है ना वहाँ पे मेरा खत्म रहता है। प्लीज ऐसे नहीं करो, बस बात करा दो। आ रहे हैं आ रहे हैं, बस 5 मिनट तुम वेट करो, हम पहुँचते हैं। प्लीज प्लीज जल्दी। ठीक 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 ठीक, 5 मिनट घड़ी में टाइम दो, उसके बाद हमको कॉल करना। ठीक ओके, दीपक जी को लेते आना प्लीज। हाँ, ओके okay।